नमस्ते, मेरा नाम हसीना। मैं इस बात पर चर्चा करने आई हूँ कि जैसे कि महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ सुकन्या समृद्धि योजना। पहला है कि महिला सशक्तिकरण, महिला एक महिला 100 शिक्षकों के बराबर है। जैसे कि ऐसी कोई जगह नहीं जैसे कि महिला मौजूद ना हो, सब जगह पे महिला मौजूद हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, ऐसे कि महिलाओं का आगे बढ़ने का बहुत जरूरी है। जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं बट लेकिन उनकी हर एक मुश्किल, औरत को ऐसा माना जाता है कि जैसे कि वो किसी भी चीज़ की कामयाब ना हो, जैसे कि उसको कमज़ोर समझे, बट ऐसा नहीं है कि औरत कमज़ोर नहीं है। जैसे कि बहुत औरत आगे बढ़ चुकी हैं और आगे बढ़ रहे हैं भी, जैसे कि हम उनका साथ दिए और उनका सफलता में कामयाब हुआ। दूसरा यह है कि बेटी बचाओ समृद्धि योजना हमारे प्रधानमंत्री योजना की है, जैसे कि बेटियों को ये योजना दिसंबर 4, 2014 में योजना कर दी गई है। ये योजना का माना यह है कि बेटियों को बेटी पैदा होने से ना कोई बोझ कहला जाता है, जैसे कि बेटी होने से उसका फायदा, एजुकेशन का खर्चा, उसका ब्याह का खर्चा, जैसे कि उसको कमज़ोर। ये योजना ऐसी योजना है जैसे कि बेटियों बच्चियों को आगे बढ़ने की एक नई कोशिश, और ये योजना एक नई उम्मीद जगाएगी। और ये योजना ऐसी जारी होना चाहिए कि जैसे कि एक बेटियों को एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी योजना है। इस मौका देने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।